पिटें भी बहुजन और रोने भी ना दें। इस सब चीज़ को लेकर, साझी विरासत को लेकर यहाँ एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन क्या कि एक अभी ज्ञापन लेकर आए थे और युवाओं की जान, युवाओं के अंदर जान झोंकने वाले, युवाओं को शिक्षा देने वाले हमारे बीच में डॉक्टर प्रोफेसर रतन लाल जी हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि आज इनको जो गिरफ्तार किया गया इसका मुख्य कारण क्या रहा। आज आपको जो गिरफ्तार किया गया इसका मुख्य कारण क्या रहा? ऐसा है, एक हफ्ता पहले इसी पुलिस स्टेशन में हमने चिट्ठी दी थी कि हम 5 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से हम संसद मार्ग पर, जंतर मंतर संसद मार्ग पर प्रदर्शन करेंगे और जो दलित के खिलाफ, जो मुसलमानों के खिलाफ, या फिर कल देख लीजिए चंद्रशेखर का जो मामला है, या पिछड़ों के खिलाफ जिस तरीके से जातियां हो रही हैं उस जातियों के खिलाफ, और दूसरा इन सब जातियों के लिए जो प्रतिरोध का स्वर संसद में शरद यादव और अली अनवर साहब बने हुए हैं, उनको राज्यसभा से हटाने की जो साजिश हो रही है कि बगैर किसी मर्यादा, राजनीतिक मर्यादा को फॉलो करते हुए 8 तारीख को सीधा उपराष्ट्रपति कार्रवाई कर रहे हैं, कि उस मसले पे होता यह है, राजनीतिक मर्यादा यह है कि पहले प्रिविलेज कमेटी, इथिक्स कमेटी के पास जाता है और कमेटी तय करती है, लेकिन ऐसी क्या जल्दीबाजी है कि जिसमें सारे कमिटीज़ को बाईपास करते हुए और इतनी जल्दी उपराष्ट्रपति सुनवाई कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के बीच साठ गांठ है और किसी भी तरीके से जो उठने वाले प्रतिरोध के स्वर हैं सभा में, राज्यसभा में, उसको कैसे दबा दिया जाए। तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से पुलिस उठाई है, हमारे झंडे डंडे बैनर सारे उठा लिए गए हैं और सारे यहाँ पे डॉक्टर्स थे, यहाँ इंजीनियर्स थे, यहाँ सोशल एक्टिविस्ट थे, सब पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिजीवी थे। मैं खुद ही पढ़ाता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, और जब बुद्धिजीवियों के स्वर को जब जिस देश में दबा दिया जाए तो क्या वो लोकशाही वाला देश है? हम लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकशाही है। संसद से महज 1 किलोमीटर दूर हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को अपनी आवाज़ पहुंचाने जा रहे थे। हम लोग कोई हंगामा नहीं कर रहे थे, कोई हल्ला नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या ऐसी वजह है कि आप मुझे ज्ञापन देने से भी रोक रहे हैं, अपनी बात कहने से भी रोक रहे हैं? तो सीधा और सीधा ये गैर लोकतांत्रिक सरकार है। हर तरीके के प्रतिरोध के स्वर को, चाहे किसानों का मसला हो, मजदूरों का हो, शिक्षकों का हो, छात्रों का हो, दलित का हो, आदिवासी का हो, मुसलमान का हो, पिछड़ों का हो, कोई भी जो इस देश में जो परेशान है और इंसाफ के लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद करना चाह रहा है, वैसे सारे स्वर को ये सरकार दबा देना चाहती है। अभी हमें कह रहे थे अंदर की आप प्रतिरोध कीजिए रामलीला ग्राउंड में, तो ये सरकार पैसे को लेकर इतना ये स्वार्थी है, ये लालची है कि देश बनता है लोगों से बनता है, जहाँ जनता परेशान हो और कुछ पूंजीपति या कुछ बड़े लोग खुश हो, तो उस देश और लोकशाही होने का क्या अर्थ है ये सरकारी देश की जनता को समझाए। दूसरा कहते हैं वहाँ 50,000 रुपया फीस लगेगा, तो जहाँ पे प्रतिरोध करने के लिए 50,000 रुपये फीस लग रहे हो, क्या वो लोकशाही लोकतंत्र वाला देश है क्या? ये सवाल मैं रखता हूँ इस देश की जनता के सामने। गरीब मजदूर, किसान, महिलाएं, तमाम लोग, जो दलित, पिछड़े, जो असंतुष्ट हैं, जो इस सरकार के अत्याचार से अपनी सहमति नहीं रखते, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, क्या वैसे लोग पहले 50,000 रुपया इकट्ठा करेंगे और तब प्रतिरोध करेंगे? तो इस सरकार की जो जन विरोधी जो नीति है और इनकी जो पूंजीवादी और मनुवाद का जो गठजोड़ हो गया इस सरकार में, वो साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि गरीब लोगों को न पैसा होगा, न दलितों को पैसा होगा, न मजदूरों को पैसा होगा, न किसानों को पैसा होगा। उसको सारे स्वर को दबा देंगे और सीधा जो है अडानी अंबानी को खुश रखेंगे, सरकार यही मंशा है। इसके खिलाफ देखिए, ये गिरफ्तारी से हम लोग डरते नहीं, और ये गिरफ्तारी क्या है, आप लोग आए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, घर घर में पहुंचाएंगे, ये सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, देख लीजिए सिक्योरिटी की नौकरी ख़त्म हो गई और इनको अभी 12,000 रुपया तनख्वाह मिलता होगा, कि जो क्लास 4 एम्प्लाइज पे सबसे ज़्यादा मार पड़ी है, सारे आप मालिक का, सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी आप ख़त्म कर दिए यहाँ से। तो जो जन विरोधी बात है इसको जन जन तक पहुँचाएंगे, और चुनाव आने वाला है, जो मनुवाद और पूंजीवाद की जो गठजोड़ वाली सरकार है इसको इनको असली औकात 19 में दिखा देंगे। डॉक्टर साहब, अभी जो एकदम राष्ट्रपति की बात आ जाती है, इतने केस पेंडिंग पड़े हैं और शरद यादव जी और दूसरे जो राज्यसभा के सांसद एकदम ही उपराष्ट्रपति इसको संज्ञान में ला रहे हैं, तो ये मेरी बात तो आपने ही कह दी कि राज्यसभा और लोकसभा में इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं इस तरह के, और अभी तो एक सहनी है जेडीयू का, अनिल सहनी है, उनके ऊपर भी मुकदमा लगा हुआ है, तो इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और
उन सब में हड़बड़ी नहीं है, सिर्फ शरद यादव और अली अनवर में हड़बड़ी है। तो इसका इंटेंशन और आपकी जो मंशा है ना, वो मंशा हम समझते हैं। आप इस देश में पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों की, महिलाओं, किसानों की आवाज़ दबाना चाहते हैं और इससे आप समझ रहे हैं कि लोग डर जाएंगे, ऐसा संभव नहीं होने वाला। सर, आगामी योजना क्या रहेगी? ये विरोध का स्वर, ये तो आज सांकेतिक रूप से हम लोग आए थे यहाँ पे देने प्रदर्शन, लेकिन आप देखते जाइए देश के हर भाग में चलेंगे और वहाँ पे जो जन विरोधी सरकार है, जो सांप्रदायिक जातिवादी और पूंजीवादी सरकार है, इसका भंडाफोड़ करेंगे, इसका कच्चा चिट्ठा। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होगी। कितने दिन ये रोक लेंगे यहाँ पे, कितने दिन रोकेंगे? जन चेतना, जन आंदोलन से इसका निराकरण निकलने वाला है। जन आंदोलन में जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने फेसबुक पे और ट्विटर पर देखा होगा, एक दीपक शर्मा बाबा साहब को गाली बक रहा है, समाज को गाली बक रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बहन मायावती जी हैं उनको गाली बक रहे हैं। ऐसे लोगों को बचाने के लिए भी इनके एक षड्यंत्र चल रहा है। इस पर कोई कार्य नहीं कर रही है, कोई इसको गिरफ्तार नहीं कर रही, जेल नहीं भेज रही है। आज चंद्रशेखर पर रासुका लग रहा है, ठीक है। तो इसमें कहने की बात नहीं कि ये सब सरकार द्वारा प्रायोजित है, सीधा है इसमें कि सरकार जो है ना, गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड है ये सब प्रोग्राम, इसलिए सरकार ये करवा रही है। श्रीवास्तव जी कहते हैं कि ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी, ये सब पीटन के अधिकारी, एक तुलसी ने तो एक कहा था कि ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। एक मसला खत्म नहीं होता, इतना दूसरा ही मसला तैयार हो जाता है। खोपड़ी में यही है, ही मूल बात यही है कि ये सब चाहते हैं कि मुसलमानों, दलितों को पीटो, सबको दबा के रखो, अडानी अंबानी को खुश रखो, और कुछ प्रतिशत जो इस देश में हैं, जिनके माता में जो जनेऊ लपेटा हुआ है, उनको खुश रखो। इनकी मंशा यही है ही, इसलिए हम लोग सड़कों पे हैं। इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर सूरज यादव यहाँ पे है, डॉक्टर एस एन गौतम बाहर निकल रहे हैं, तो आखिर इनसे डर नहीं रहे ना, इनका प्रतिरोध कर रहे हैं और इनकी जो सोच है जनता के बीच लेके जाएंगे, चुनाव में इनका हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। शुक्रिया।